Hey, what's up? So you are here. So I was just talking to my friend और उसने कहा कि बॉस क्या हम ऑर्गेनिक तरीके से फेसबुक ग्रुप्स में कुछ कर सकते हैं या फेसबुक ग्रुप से सेल्स निकाल सकते हैं या नहीं. सो आज इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे उसको भी आंसर मिलेगा और आपको भी आंसर मिलेगा और एक शायद सॉल्यूशन मिलेगा अगर आप फेसबुक के थ्रू कुछ सेल करना चाह रहे होंगे, फेसबुक का ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है उसका यूज करना चाह रहे होंगे. तो आज की वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो को कर दो एक लाइक, बिकॉज आपके एक लाइक से मुझे मिलता है बहुत ज्यादा मोटिवेशन और लगता है कि ऐसी वीडियो बार बार आपको दिए जाए जिससे आप फ्री में कुछ अर्निंग कर सको, राइट. तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक ग्रुप से, अगर आप ग्रुप को ओन करते हो मतलब आपका खुद का ग्रुप है, या अगर आप दूसरों के ग्रुप में भी पोस्ट करो, और कैसे एग्जैक्ट तरीका क्या होता है सेल्स लेके आने का वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में. इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लाइक करो, शेयर करो और नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो. गाइस सबसे पहले आपको चाहिए क्लिक बैंक, जीवीजू या वॉरियर प्लस, ऐसे बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स हैं. कोई भी आपको एक एफिलिएट नेटवर्क चाहिए, बिकॉज एफिलिएट नेटवर्क जहां पर आपको मिलेगा एफिलिएट प्रोडक्ट जिनको आप सेल करोगे और आपको मिलेगा कमीशन. जिन लोगों को नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी आए चैनल पर जिनको ना ही पता हो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, तो मैं बता दूं, एक कंपनी होती है, राइट, और एक बंदा होता है जो कि आप हो, राइट. तो आप क्या करते हो, कंपनी से प्रोडक्ट को उठाते हो और आप उसको सेल करवाते हो, राइट. सेल करवाते हो, आपको कंपनी कुछ कमीशन देती है, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग. और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग प्रोसेस, राइट. तो ये चीज होती है एफिलिएट मार्केटिंग. अब होता ये है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं बट उनको नहीं पता हाउ टू सेल, उनके पास मार्केट नहीं है. तो आप जैसे एफिलिएट मार्केटर और मेरे जैसे एफिलिएट मार्केटर क्या करते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, हम क्या करते हैं उनके प्रोडक्ट को सेल कराते हैं एंड वो कंपनी हमें कुछ कमीशन देती है, राइट. तो ये पूरा होता है एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस. अब एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट मिलते हैं वॉरियर प्लस पे, क्लिक बैंक पे, जेवीजू पे, और ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल एफिलिएट नेटवर्क्स भी हैं लाइक क्लिक फनल, ब्यूलरल, 25 डॉलर 1 ऑफ एंड अ लॉट ऑफ नेटवर्क्स आर देयर इन मार्केट, राइट. सो अभी हम लोग हैं वॉरियर प्लस पे और यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है मुझे 319. सो आप भी ऐसे बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो बट आपको ये चीज नहीं पता कि इनऑर्गेनिक के साथ काम कैसे करते हैं, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनऑर्गेनिक ट्रैफिक के साथ काम कैसे करते हैं. पहली चीज बता दूं गाइस, जो इनऑर्गेनिक ट्रैफिक है उसमें हार्ड वर्क बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पर आपको टारगेटेड ट्रैफिक नहीं होती, आपको नहीं पता कि कौन सा बंदे का क्या डिजायर है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, रिलेटेड टू योर नीश, राइट, कि वो क्या चाहता है. तो इनऑर्गेनिक में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो आपको पहले तो सबसे पहले कहीं पर भी क्लिक बैंक में, वॉरियर प्लस में या जेवीजी में कहीं पर भी अकाउंट बना लेना है, राइट. सबसे पहला स्टेप आपका यही है. दूसरा स्टेप आपको यहाँ पर आके प्रोडक्ट फाइंड करना है. प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका यही है कि देखो कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, किसका डिमांड है और किसका ऐसा मतलब आपको दिख रहा है मार्केट में, किस प्रोडक्ट के लिए मतलब इस टाइप का, मतलब समझ लो अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो अभी मान लो एक डिमांड है कि लोगों को टूल्स चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, लाइक पेजेस बनाने के टूल्स, वेबसाइट्स बनाने के टूल्स, राइट, फनल्स बनाने के टूल्स, ईमेल मार्केटिंग करने के टूल्स, चैट बॉट्स, ये सब लोगों को चाहिए. तो ऐसे करके आपको एक ऐसा प्रोडक्ट समझना है और उसको ढूंढना है जो लोगों की हेल्प कर सके, राइट, जो लोगों की हेल्प कर सके, राइट. तो यहाँ पर वॉरियर प्लस में आ चुका हूँ. सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिख रहा है, सीबी प्रॉफिट साइट्स 100% डन फॉर यू. और देखो यहाँ पर इसका कन्वर्जन रेट 29% है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, राइट. और विजिटर वैल्यू 12.58 डॉलर है, एवरेज सेल 43.12 डॉलर है, राइट. और रिफंड रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, राइट. जैसे ही आप इस पर रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे इसका लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा, देन आप इसका जो भी वेंडर है जिसने भी इस प्रोडक्ट को बनाया है और इस एफिलिएट नेटवर्क जिसका नाम वॉरियर प्लस है वहाँ पर लिस्ट किया है, उससे आपको इस परमिशन लेना पड़ेगा. यहाँ पर आप रिक्वेस्ट अप्रूवल में क्लिक करोगे तो वो आपको परमिशन दे देगा, राइट. यहाँ पर आप देख भी सकते हो इसका ग्रोथ है एंड जो भी इसका सेलिंग प्राइस है, एंड प्राइस जो है इसका सेलिंग प्राइस आप देख सकते हो $22 से लेके $167 तक है, मतलब कि इसमें अप सेल्स प्रोडक्ट्स भी हैं. अप सेल्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने मान लो $22 का एक प्रोडक्ट बेचा, जिस भी कस्टमर को आपने बेचा, ये कंपनी आपकी तरफ से उनको बार बार ईमेल्स भेजेगी और उनको रिकॉल करेगी और भी प्रोडक्ट इसको बेचेगी, राइट. और उसका भी कमीशन आपको मिलेगा, मतलब कि आपको $11 से लेके 400
$73 तक का कमीशन आपको इसमें मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपको अप्रूवल के लिए बस अप्रूवल पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हो कि मैं इतने समय से कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग में हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, जो भी आप करते हो, और रिक्वेस्ट सेंड पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी लिंक पड़ी हुई है एफिलिएट प्रोडक्ट की, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है फेसबुक में। फेसबुक में जाने के बाद आपको ग्रुप्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर मेरे को मिला है एफिलिएट मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड का ग्रुप, जिसमें मैं कोई एडमिन नहीं हूं, मैं इस ग्रुप को ओन नहीं करता हूं, राइट। तो सबसे पहले मैं इस ग्रुप में बताऊंगा, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे लोगों के पास ग्रुप है ही नहीं, बहुत सारे क्या 99% लोगों के पास ग्रुप नहीं है, राइट। सिर्फ 1% लोग ही ग्रुप को ओन करते हैं। तो गाइस कैसे सेल करना है, सबसे पहले बता दो कि आप गलतियां क्या करते हो। आप क्या करते हो, सीधा ऑफर ला के देने लगते हो, राइट, लोगों को ऑफर देने लगते हो। लेकिन एक चीज समझो, अगर मैं ट्रेन में घूम रहा हूं या कहीं पर आपको बाहर मिल रहा हूं किसी पार्क वार्क में, और मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज आप इस चीज को मुझसे बाय कर लो, तो आप क्या बाय करोगे? मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि ये 100 रुपए की चीज है, क्या आप उसे लेना चाहोगे? तो क्या आप लोगे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्या आप लोगे? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, क्या आप लोगे? मैं डायरेक्ट आपको बोलूंगा, मैं आप मुझे नहीं जानते, हम दोनों अननोन है, बिल्कुल कभी भी पहले मिले ही नहीं है, और मैंने आपको सीधा एक प्रोडक्ट दिखाया और मैंने बोला 100 रुपए का प्लीज ले लो, बिना कुछ बताया कि इसके एडवांटेज क्या है, इसका क्या क्या है, बस सीधा दे दिया ले लो। तो क्या आप लोगे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं 5 तक काउंट करूंगा, 5 सेकंड दूंगा, यस और नो ही लिखना है। आई थिंक 5 सेकंड में आप लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5। और मुझे लगता है कि जितने लोगों ने भी, जो लेजी नहीं होंगे, वो लिखने की कोशिश किए होंगे और उन लोगों ने लिखा होगा नो। बिकॉज गाइज अगर कोई भी मुझे कहीं पर भी मिले और बोल दे कि 100 रुपए की या 1000 रुपए की ये चीज मैं आपको बेच रहा हूँ, क्या आप लोगे? द आंसर इज नो, बिकॉज मुझे नहीं पता उसका बेनिफिट क्या है, मुझे नहीं पता आप कौन हो, तो मैं आपसे कैसे ले लूँ? तो द थिंग इज कि ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ट्रस्ट नहीं है तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना जरूरी है, और बारे में क्या बताना जरूरी है कि उसका एडवांटेज क्या है, राइट। तो सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, लाइक जैसे देखो यहाँ पर इसने क्या लिखा है, ईमेल प्रोसेसिंग सिस्टम, और डायरेक्ट पिच कर दिया ऑफर, राइट। ऐसे ही करके आपको सबका मैं दिखाऊंगा, इसने भी सीधा पिच कर दिया ऑफर, राइट, कुछ बताया नहीं है, ऑफर पिच कर दिया है, और ऐसे ही आपको बहुत सारे दिखाऊंगा। देखो ये देखो कमेंट्स में, और कमेंट्स में कभी भी आप अपने प्रोडक्ट को मत डाला करो, बिकॉज यही वो प्रॉब्लम है कि लोग आपको स्पैम स्कैम का नाम देते हैं कि आप स्पैम कर रहे हो, आप स्कैम कर रहे हो, बिकॉज आप उनके कमेंट्स में जाके सिर्फ फालतू का लिंक पोस्ट करते हो और इसको कोई भी क्लिक नहीं करता है। रेयर 0.00001% चांस है कि कोई बंदा इस पे आके क्लिक करेगा, बिकॉज ये एक कचड़े के जैसा लगता है। आप खुद ही इसको सोचो कि कितना ज्यादा कचरा नजर आ रहा है, कौन इस पे क्लिक करेगा? तो ये स्पैम मत करो, यहां से आपका नाम खराब होता है। और यहां पर भी ऐसे ही, राइट, ऐसे ही लोग पोस्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती है कि आप ऐसे पोस्ट करते हो, इसीलिए आपको इन ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं हासिल होती हैं, इन ऑर्गेनिक आपको सेल्स नहीं आते, राइट। तो अब करना क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, गलतियां मैंने बता दिया कि आप करते क्या हो। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट करने से पहले कुछ इस प्रकार का पोस्ट तैयार करना है, लाइक जो अभी मैंने तैयार किया है, और मैं आपको यहाँ आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं पेस्ट करके सीधा दिखा रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले आपको पूरे उस प्रोडक्ट का एडवांटेज लिखना है। और याद रखो एक और चीज, एक स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो आपको याद रखनी है। द स्ट्रेटजी इज कि आप 5 से 7 ग्रुप या 10 ग्रुप सेलेक्ट कर लो और डेली आपको उसमें ही पोस्ट करना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब देखो आप बार बार कंसिस्टेंट तौर पे एक पोस्ट डालते हो, पोस्ट डालते हो, पोस्ट डालते हो, तो क्या होता है, लोग आपको देखना, मतलब देखना स्टार्ट कर देते हैं, आपको नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं कि बंदा ये कंसिस्टेंट, ये डेली कुछ ना कुछ डालता है, डेली कुछ ना कुछ डालता है। बिकॉज जब आप बार बार कुछ पोस्ट डालोगे, तो जो भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स रहेंगे फेसबुक में या उस ग्रुप में, या जो लोग उस ग्रुप में एक्टिव हैं, फेसबुक उनको बार बार नोटिफिकेशन भेजता है कि ये बंदे ने कुछ डाला है, ये बंदे ने कुछ डाला है, ये बंदे ने कुछ डाला है। अगर आपको ये देखना है, तो आप अपने नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हो, आप जिससे भी कनेक्टेड हो उसका बार बार नोटिफिकेशन आता होगा, राइट, और उन बंदों को भी जाता है जो इस ग्रुप में पर्टिकुलर एक्टिव है। तो आप सिर्फ 5 से 10 ग्रुप सिलेक्ट कर लो जो बहुत ज्यादा इंगेजिंग है, बिकॉज ये जब आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा सेल मिलेगा, बिलीव मी, इसको एक बार करके देखो, राइट। और दूसरी चीज, जैसे कि मैं यहाँ पर लिंक दे दे रहा हूँ, अभी मैं इसलिए लिंक दे दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसे काम करना है, बट आपको कोशिश करना है कि आप अपने पोस्ट में लिंक मत दो, सिर्फ एडवांटेज बताओ, और जो लिंक है वो फर्स्ट कमेंट में डाल दो, या ऐसे करके आपकी लिंक बिल्ड हो जाती है तो ऐसे छोड़ दो, या तो फर्स्ट कमेंट में डाल दो। अब देखो मैंने क्या लिखा है,
फाइव वेज टू मेक बिलियंस, राइट? आप इसको मिलियंस कर दो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये हजम ही नहीं होता कि वो बिलियंस अर्न कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, विजन. तो आप मिलियंस कर दो, देन उसके बाद मैंने लिखा है स्टॉप लाइक 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 बहुत सारी चीजें लिखी हैं, सी मेकिंग मनी बहुत सारी चीजें, राइट? आप लिख लो. बट ऐसा लिखना चाहे कि वो लोग थोड़ा सा क्यूरियस हो जानने के लिए कि भाई ये चीज है क्या, वो एक बार एटलीस्ट क्लिक करें. जब वो एक बार एटलीस्ट क्लिक करेंगे तब वो उसके लैंडिंग पेज पे चल जाएंगे. लैंडिंग पेज पे जाएंगे तो वहां से लैंडिंग पेज का काम हो जाता है कि वो लोगों को कन्वर्ट करता है या नहीं, राइट? अभी मैं सिर्फ ग्रुप की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, राइट? तो मैंने क्या लिखा भाई, ऐसे ऐसे है भाई, आपको सीखना है तो सीख सकते हो, बिकॉज लोग लर्न करना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं. इसलिए मैंने बोला फाइव वेज टू मेक अ मिलियन, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया. अब क्या होगा, जब भी कोई भी बंदा आएगा वो पहले ये नहीं देखेगा कि ये क्या ऑफर दे रहा है, वो सबसे पहले देखेगा कि इस बंदे ने क्या सिखाया है यहाँ पर, राइट? मैंने कुछ चीजें सिखाई हैं, बोला है कि कंसिस्टेंट रहना है, मेकिंग मनी टू वे मोर थिंग्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी है, राइट? तब वो पांच पड़ेगा. और छठवां मैंने वे क्या दिया है, विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ, प्लीज क्लिक हियर. तो बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा एंड वो मेरे सीधे लैंडिंग पेज पे चल जाएगा. लाइक अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं सीधा लैंडिंग पेज पे चले जाऊंगा. और फिर लैंडिंग पेज क्या होता है इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, राइट? लैंडिंग पेज, फनल, ये सब सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में करो चेक. और अगर आपको फ्रेश वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करो, मैं कोशिश करूँ कि उसके लिए भी मैं वीडियोज बनाऊँ, राइट? तो अब वो आ गया बंदा मेरा लैंडिंग पेज पे. अब यहाँ पर एक वीडियो है, लैंडिंग पेज पे वीडियो है, वीडियो उस बंदे को कन्वर्ट करेगी. जैसे वो बंदा वीडियो पे क्लिक करेगा, वीडियो को देखेगा तो वीडियो करेगी कन्वर्ट करेगी, राइट? तो ये चीज होता है आपको अपना जो भी आपका ऑफर है उसको वहां पर डालने का, राइट? वो अब मेरे फनल में आ जाएगा, जैसे यहां पर क्लिक करेगा वो यहां पर अपना ईमेल छोड़ेगा, चीजों को चेक करेगा और मेरे फनल में आ जाएगा. तो इस प्रकार से आप लोगों को इनवाइट करते हो अपने लैंडिंग पेज पे, अपने ऑफर में उनको एडवांटेज बताओ या तो उनको क्यूरियस करो आपके प्रोडक्ट को जानने के लिए, राइट? बस वो एक बार क्लिक करें लैंडिंग पेज पे आए और फिर लैंडिंग पेज का ये काम हो जाता है कि वो भाई आपको कन्वर्ट करके कन्वर्जन दे. तो लैंडिंग पेज पे भी आपको काम करना पड़ता है, राइट? तो ये हो गया, जो ग्रुप आपके नहीं है उसमें आप ऐसा कर सकते हो. बट जो ग्रुप आपके हैं, लाइक ये ग्रुप जो है जो अभी आपको दिख रहा है, ये मेरा ग्रुप है, राइट? अब इस मेरे ग्रुप में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं, मेरे को एडवांटेज है कि मैं अपने ग्रुप में अपनी चीजें पोस्ट कर सकता हूँ, अनाउंसमेंट कर सकता हूँ, टॉपिक डाल सकता हूँ ऊपर, मतलब कि पिन करके रख सकता हूँ, राइट? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पिन करके कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सीखना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो लोग हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करते हैं. ऐसे ही करके आप यहाँ पर अलग अलग बड़ी बड़ी समरीज लिख सकते हो अपने ग्रुप में, प्लस आप रिजल्ट शो कर सकते हो. और जो मैंने यहाँ पर हाउ टू लिखा है ना कि आप कैसे मिलियन बना सकते हो फाइव वेज, तो आप यहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये ग्रुप आपका है, आप यहाँ पर एडमिन हो, और एडमिन हो तो मतलब कि आपको एक अलग से ही लेवल मिलता है कि बार बार आपके पोस्ट को लोगों को शो किया जाए. ये ग्रुप जो एडवांटेज रहता है, जो ज़्यादा एडवांटेज रहता है, वो फेसबुक की तरफ से मिलता है, बिकॉज आपने इस ग्रुप को ओन किया है, बिल्ड किया है, तो आपका बार बार चांस रहेगा कि आप बार बार लोगों को दिखो. मतलब अगर 5% फेसबुक आपके पोस्ट को या दूसरे के पोस्ट को पुश करता है, तो अगर आप एडमिन हो किसी ग्रुप में तो आपका जो पोस्ट है वो 10% पुश किया जाएगा. तो ग्रुप अगर जो आप ओन करते हो उसमें आप बड़ी बड़ी समरी लिखो कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, और लास्ट में अपना लिंक पिच करो. बट अगर जिस ग्रुप का आप ओन नहीं करते हो उसमें 5 लाइन की 6 लाइन की एडवांटेज लिखो या हाउ टू लिखो कि इसको कैसे दिया जाए, एंड एट द एंड अपना एक लिंक डालो जो क्यूरियस करे लोगों को. और वो जो लिंक है वो आप नीचे कमेंट में भी डाल सकते हो. तो ऐसे करके लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो. याद रखना जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि आपको पहले एक एफिलिएट नेटवर्क चाहिए, उसके बाद आपको हाउ टू एडवांटेज या क्यूरियस करना है लोगों को कि वो लास्ट में जाके आपके लिंक को क्लिक करें. और जिस ग्रुप में आप ऑन करते हो उसमें बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखो, लोगों को बताओ ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, और लास्ट में उसका लिंक दो. और ऐसे बिल्कुल काम मत करो, ऐसे स्पैमी काम मत करो, ऐसे यहाँ पर नीचे में स्पैम मत करो. देखो जैसे कि इस ग्रुप में मैं लोगों को अप्रूवल नहीं देता हूँ कि वो कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें डालें, राइट? तो बट वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नीचे स्पैम करते हैं, राइट? तो इससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है. लोग उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, लोग उस पर कंप्लेन करते हैं, लाइक ये अब इस पर कौन भरोसा करेगा, लोग इस पर कंप्लेन करते हैं, देन उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर होती हैं, लाइक यहाँ पर देखो ये स्पैम है, तो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं. और आपका जो एक
वैल्यू है, जो एक रेपुटेशन है वो खराब होता है, लोग बार बार देखेंगे तो आपका वैल्यू, आपका रेपुटेशन खराब होगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, बिल्कुल आपको लोगों को सिखाना है, एडवांटेज देना है, हाउ टू बताना है, क्यूरियस करना है, एंड देन आप देखोगे कि आपका सेल्स बढ़ गया है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, गाइस देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछो, और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर कॉन्टैक्ट करो, बिकॉज इंस्टाग्राम पर मैं बहुत सारी चीज़ें डाल रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट करो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।